हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सोनू और मैं आज आपको इजी लर्न के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और इजी लर्न के इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास 11 का इंटरमीडिएट साइंस के एकदम बहुत ही अच्छा टॉपिक वर्क पावर एनर्जी आज आप लोगों के साथ हम डील करने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक को आप लोगों के साथ डील करते हैं और आप लोग इस वीडियो को देख के समझने का कोशिश कीजिए। आज मैं आप लोग को इस चैप्टर का बेसिक्स फॉर्मूला लेकर के आया हूँ क्योंकि इस चैप्टर में इस बेसिक्स फॉर्मूला को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज आप लोग के साथ डील कर रहे हैं। तो देखिए वर्क आप क्लास 9-10 में भी समझे होंगे कि वर्क क्या होता है। वर्क जैसे कि कोई भी जैसे काम हो रहा है तो उसके पीछे क्या डिस्प्लेस हो रहा है, ये जैसे पार्टिकल है तो ये पार्टिकल इस पर अगर वर्क होता है तो इस पर कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा और ये कहीं दूसरे जगह जाएगा तभी यहाँ पे वर्क शो कर रहा है। यानी कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर रहा है तो ये यहाँ पे दिखता है कि वर्क अगर हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। इसी को चेंजिंग को ही हम वर्क बोलते हैं। या कहीं पर काम हो रहा है तो एक से दूसरी जगह से दूसरे जगह चला गया तो इसीलिए इसमें फोर्स भी लगा और डिस्प्लेस भी चेंज हुआ। तो यहाँ पर आप देख लें कि वर्क में क्या डेफिनेशन ये इस टाइप से क्यों अराइज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, मास एम का एक ब्लॉक है, मास एम का एक ब्लॉक है जो इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है इस एंगल थीटा से। कहीं ना कहीं जैसे कुछ भी फोर्स है तो इस पर फोर्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना एंगल से होगा। अगर ऐसे होता तो 180 डिग्री एंगल से हो जाएगा। अगर यहाँ पर लग रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल से यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर। तो जैसे इस ब्लॉक पर फोर्स लगा तो ये इतना दूर कहीं डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, ये कहीं पर डिस्प्लेस हुआ और ये फोर्स और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो यही जो यहाँ से यहाँ होकर के मोशन है और यहाँ तक अगर ये ब्लॉक आ रहा है तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग हो रहा है तो इस पर कुछ ना कुछ वर्क लगा होगा तभी यहाँ पर चेंजिंग आया होगा। तो इसीलिए हम वर्क को डिफाइन करते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो एफ डॉट डी एस जो होता है वो वर्क होता है और एफ डॉट डी एस जो होता है वो एफ डॉट एस जो होता है वो एफ एस कॉस थीटा के इक्वल होता है क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे। अगर ए डॉट बी है तो ए डॉट बी में डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी ट्रिगोनोमेट्री का जो ये जो भी उसका पार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्री का, वो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है साइन कॉस टैन का, तो वहाँ पे कॉस का टर्म यूज़ किया जाता है। या वेक्टर पढ़िएगा तो वहाँ पे आप अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। तो एफ डॉट एस जो है तो एफ एस कॉस थीटा हो गया, तो ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से अगर इसका वेरिएबल फंक्शन यहाँ पे मान के चलते हैं कि जैसे एक पाथ वे में, तो अगर यहाँ पे कहीं ये तो सिंपली वर्टिकल हो गया, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो गया, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे अगर वैरी करता कि पाथ ऊपर गया नीचे गया तो वहाँ पे वेरिएबल देखा जाता है। तो वेरिएबल देखने के साथ साथ वहाँ पे हम सिंपली तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, वेरिएबल वाला फंक्शन में भी वेरिएबल तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है। तो एफ डॉट डी एस जो हो गया इंटीग्रेशन के साथ करेंगे वेरिएबल फंक्शन में तो एफ डॉट डी एस हो जाएगा वर्क का। और जब कभी वर्क बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ में होता है, अगर क्लोज पाथ में अगर कहीं पे वर्क हो रहा है तो वहाँ पे जो होता है वर्क वहाँ पे जीरो हो जाता है। जैसे कि क्लोज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा किस कंडीशन में, वर्क बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ। तो देख रहे हैं आपका ये जो पाथ होगा इस तरीके से होगा, या ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये पाथ जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए तभी यहाँ पे एफ डॉट डी एस जो होगा इसका क्लोज इंटीग्रेशन वो जीरो हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला में यूज होता है कब, जब कोई भी क्वेश्चंस हो जाता है, जैसे आईआईटी भी क्वेश्चंस इस पे पूछता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस में एफ डॉट डी एस करके निकालते हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएबल टर्म होता है उसको उस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे कि एफ डॉट जहाँ पे फोर्स भी निकाल सकता है वो भी वेरिएबल टर्म में, तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल होता है इस एप्लीकेशन को यूज़ करके इस तरीके से उस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। उसी तरीके से पावर होता है, तो पावर कब होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dW/dt, तो वहाँ पर हम पावर को डिफाइन करते हैं। और पावर का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी का रिलेशन होता है, फोर्स एफ डॉट बी का। तो एफ डॉट बी भी यहाँ पे एफ डॉट बी भी एफ बी कॉस थीटा के टर्म में हो जाता है पावर भी। अगर पावर को देखा जाए, अगर कहीं पे पावर लग रहा है या कुछ अलग डायरेक्शंस में, तो वहाँ पे भी एंगल को कंसिडर करना होता है। तो एफ डॉट बी कॉस थीटा हो गया। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ
इंटू एम बी ए स्क्वायर है, तो वर्क में ही पढ़ना है। तो एनर्जी का जहाँ बात आता है तो काइनेटिक एनर्जी का एकदम बेसिक सा फॉर्मूला, और ये याद रहना इस टॉपिक में बहुत ज़रूरी है। तो देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी ए स्क्वायर होता है। आप जैसे एंट्री करते हैं क्लास 11 में ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत जगह पे काइनेटिक एनर्जी का यूनिट निकालने के लिए पूछा जाता है, डायमेंशन निकालने के लिए पूछा जाता है, तो उस टाइम पे आपको फॉर्मूला उसका पता होता है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम बी ए स्क्वायर। अब उस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है वर्क पावर एंड एनर्जी में। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे टोटल नेटवर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देते हैं। जहाँ पे वर्क, जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है, बहुत बड़ा एप्लीकेशंस वाला क्वेश्चंस होता है आईआईटी का, तो वहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करके उस क्वेश्चंस को हम सिंपली वे में डील कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे वो क्वेश्चन, जब आपके साथ हम सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे कि उस क्वेश्चन में हम कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें और किस कंडीशन पे अप्लाई करें। तो ये चीज़ वहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, नेटवर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसलिए हम आपको एकदम शॉर्ट टर्म में अभी टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इससे आपको पता चले कि एकदम 10 मिनट के वीडियो में ही आपको किसी भी टॉपिक के बारे में एक्चुअल चीज़ पता चले कि हाँ, इस टॉपिक में मुझे करना क्या और पढ़ना क्या। तो ये चीज़ होना टॉपिक पढ़ने से पहले ये होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हो गया और पता नहीं चलता है कि कौन कौन सा क्या चीज़ पढ़े नहीं पढ़े। क्योंकि एक मीडिएटर के लिए बोल रहे, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। क्योंकि हम अपने भी करियर में एक एवरेज स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मुझे भी पता है कि किस कंडीशन पे कैसे बच्चे को क्या प्रॉब्लम होता है। तो उस तरीके से अपने नज़रिए से हम इस टॉपिक को डील कर रहे हैं। तो एक ब्रीफ वे में आप इसको समझ सकते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी को। तो आपको इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा जब हम आगे इसका और भी टॉपिक वाइज टॉपिक इसका लेक्चर आपको हम जब वीडियोज़ में डालेंगे तब। तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि एक एप्लीकेशन होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो अप्लाई किया जाता है किसी भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे एप्लीकेबल ये होगा, वो एप्लीकेशन को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो टोटल नेटवर्क हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। और पोटेंशियल एनर्जी, चलिए हम आपको डेफिनेशन इस तरीके से नहीं बताएंगे, हम डेफिनेशन आपको उस टाइम पे बताएंगे जब हम ये टॉपिक एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जब ये टॉपिक बताएंगे तो उस टाइम में डेफिनेशन के साथ साथ इसका एप्लीकेशन, इसका डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला और जितना भी इससे रिलेटेड एप्लीकेशन वाले फॉर्मूले होंगे जहाँ जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का निकालना होगा वर्क एनर्जी थ्योरम में, वहाँ पे करेंगे। अभी के लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं कि आप पोटेंशियल एनर्जी को आप विजुअलाइज कैसे कीजिएगा, आप इसको फील कैसे कीजिएगा। तो दिखाते हैं, देखिए ये एक मासिम का एक ब्लॉक है, ये एक मास एम का ब्लॉक है। यहाँ पे हम इसका एक रेफरेंस लाइन होगा, कहीं पे भी है तो हम अगर यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे भी है, कुछ ना कुछ रेफरेंस लाइन पे ही हम खड़े हैं जहाँ पे ये है। तो उस तरीके से इसका ब्लॉक का एक रेफरेंस लाइन हम मान लेते हैं। जैसे ही ब्लॉक को हम इस ब्लॉक को जैसे इतना ऊपर जैसे इसको उठाते हैं एच हाइट पे इस ब्लॉक को उठाते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आया होगा, तभी यहाँ पे ये ऊपर गया है, समझे। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक किया तो ब्लॉक को जैसे हम इतना हाइट तक लेके गया, तो यहाँ पे ये ब्लॉक आया उतना हाइट पे, पहुँचे एच हाइट पे, तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है mg h। पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे इस ब्लॉक का mgh हो जाएगा। तो आप विजुअलाइज कीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को हम किस नज़रिए में देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को देखने के लिए हम इस तरीके से देख लें कि हाँ, अगर कोई ब्लॉक है, अगर इसमें कुछ एनर्जी लग रहा है तभी ये कुछ वर्क कर रहा है या ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेस किया है, तो ये एच हाइट पे जैसे ही जाता है तो इसके अंदर कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, u = mgh। अगर रेफरेंस लाइन से अगर एच हाइट नीचे जाते हैं, एच हाइट डीप में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक एम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, विथ निगेटिव साइन mgh, यानी कि u = -mgh होता है। अब इसका एप्लीकेशन आपको भर भर के मिलेगा इस टॉपिक में इसका एप्लीकेशन होगा, जो कि क्वेश्चंस अच्छे लेवल का डील किया गया है, IIT जैसे पूछता है या नीट में भी क्वेश्चन आता है तो इस एप्लीकेशन पर आता है। तो ये एक बेसिक टर्म है समझने का पोटेंशियल एनर्जी। तो देख लीजिए अब इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। अब फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन है, force = -du/dx, ठीक है। तो ये जो ये x है, यहाँ पे x ये एक आप बोल सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, f = -du/dr होता है, जहाँ पे r भी डिस्प्लेसमेंट उस तरीके से। तो इसका एक बड़ा सा डेरिवेशन है,
तो आप इसको ऐसा समझिए, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है। अभी एक बस फॉर्मूला वे में आप समझिए, बस इंट्रोड्यूस हुई है इसे और आगे हम इसके एप्लीकेशन आपको समझाएंगे और इसका हम डेरिवेशन करके दिखाएंगे कि एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स कैसे निकाला जाता है और इसका यूज़ हम कौन कौन से क्वेश्चंस में कैसे करेंगे वो भी आपको हम दिखाएंगे। उसी तरीके से स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग आप देखते होंगे, ये स्प्रिंग है जहाँ पे स्प्रिंग का जो ये इसका जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो इज इक्वल टू के एक्स के इक्वल होता है, के एक्स इसको म्यू से ऐसे करके डिनोट करते हैं, वो थोड़ा सा आपको हम बताएंगे जब स्प्रिंग पढ़ाएंगे तब। तो आप देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में भी होता है जब वो दबता है, एलोंगेशन होता है और ये उसको बोलते हैं एलोंगेशन और एक्सप्रेशन करके जो बोला जाता है, हाँ भाई, तो उस टाइम पे देखा जाता है कि कब वो सेपरेट हो रहा है, तो उस टाइम पे उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, उसका उतना लेंथ क्या लैटिट्यूड देखा जाता है, तो वो चीज़ होता है। तो अभी जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम आपको पोटेंशियल एनर्जी बात की है स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी सिंपली आप होता है वो हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। के जो होता है वो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है, तो आप इस तरीके से समझिएगा के जो है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है और एक्स जो है इसका लेंथ है एक्स, तो स्प्रिंग का लेंथ तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाता है। और इसी तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ना है, वो डीप में आपको हम बताएंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन होते हैं। अभी आपको हम सिर्फ सिंपली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस एप्लीकेशन से कि इस बड़े से टॉपिक में क्या क्या मेन टर्म होते हैं और इसका आप रिवीजन एज अ रिवीजन भी आप कैसे कर सकते हैं, रिवीजन करने के लिए भी आप इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप इस चैप्टर को कुछ भी नहीं जानते उससे पहले आप तो चैप्टर के बारे में जानने के लिए भी इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। तो इस वीडियो का मोटो यही है कि आपको टॉपिक के बारे में पता चले कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व भी कराया जाता है उस तरीके से, इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व कर देंगे। कंजर्वेटिव फोर्स जब अप्लाई करेंगे, जब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व कर देंगे, उस टाइम पे क्या होगा, मुझे हो सकता है कि मुझे वेलोसिटी निकालना हो, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना होगा, तो उस टाइम पे हमें इस एप्लीकेशन और पोटेंशियल एनर्जी का सारा टर्म दिया रहेगा, तो उस टाइम पे ये एप्लीकेशन का हम यूज़ करके वो चीज़ निकाल सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि ये कॉन्सेप्ट लगा करके नेक्स्ट टर्म जो वैल्यू फाइंड करना रहता है उस तरीके से भी इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी का फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी क्लास 11th और IIT JEE NEET NDA एयरफोर्स MSc CET UPTU जैसे एंट्रांस की तैयारी करते हैं, उसमें आपको ये वीडियो और मेरे चैनल पे आने वाला और सभी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और ये सब आप प्रिपरेशन कीजिए तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज के व्यू से भी इस टॉपिक को देख सकते हैं, आप अपने डेली लाइफ में भी इसका यूज़ है बहुत, तो उस तरीके से भी आप इसको रियलाइज़ कीजिए। बस करना ये है कि आप उसको विजुअलाइज़ कीजिए और यहाँ पे एक इक्वेशन में उतारिए, बस ये चीज़ आप अगर सीख जाते हैं तो आप क्वेश्चंस बनाना सीख जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझना सीख जाएंगे। सो अब लास्टली यही बोलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और